हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले मैगोटेट वुंड के बारे में। पशु में जब गहरी जख्म हो जाता है कहीं भी शरीर पर और उसमें मैगोट्स पड़ जाते हैं यानी कि कीड़े पड़ जाते हैं, तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी ज़्यादातर पशुओं में, खास करके जैसे कि गाय बैल है, तो उनमें लंपी के कारण बहुत ज़्यादा जख्म होने की और उसमें मैगोट्स पड़ने की जो केसेस है वो फील्ड कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ में जो बकरियां होती है, जब उनको दस्त लगते हैं यानी कि डायरिया होता है, तो उस कंडीशन में डायरिया के कारण उसके जो बाल होते हैं बकरियों में, तो वो चिपक जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। और ऐसी सिचुएशन में खास करके बकरियों में वहाँ पर ज़ख्म होने की और उसमें मैगोट्स होने के केसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और एक तो ज़्यादा बाल होने के कारण और पूंछ के नीचे ज़्यादातर ज़ख्म होके वहाँ पर मैगोट्स पड़ने के कारण वो जल्दी समझ में नहीं आता है। जब वहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ से बास आनी शुरू हो जाएगी, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। बड़े पशुओं में जब उसका सिंग टूट जाता है तो वहाँ पर भी ज़ख्म हो जाता है और बहुत सारे मैगोट्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर जो पैरों के खुर होते हैं वहाँ पर ज़ख्म बन जाता है, तो हमें वो जल्दी से ध्यान में नहीं आता है और वहाँ पर भी मैगोट्स हो जाते हैं। और शरीर के अन्य किसी भी पार्ट पे ज़ख्म बन जाता है तो वहाँ पर जब मक्खियाँ बैठती है तो ज़्यादातर वहाँ पर चांस होते हैं मैगोट्स पड़ने के। तो जहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जैसे पूंछ के नीचे है, स्क्रॉटम में है उसके, या एब्डोमिनल रीजन में नीचे की तरफ से है, यहाँ तक कि हमने जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं पशु के, नथुने होते हैं, वहाँ पर भी मैगोट्स के केसेस देखे हैं। और जो कान है तो कान के अंदर भी हमने मैगोट्स के कुछ केसेस देखे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जल्दी समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर मैगोट्स हो गई है। जब वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर मैगोट्स हो गई है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, इस सब के बारे में अभी हम बात करेंगे। जब किसी भी पशु को इंजुरी होती है यानी कि कहीं पर भी मार लग जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है, तो वहाँ पर मक्खियाँ अट्रैक्ट होने लगती है। और जैसा कि आप इस स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं, तो वो मक्खियाँ वहाँ पर अंडे देती है, जो अंडे 8 से लेकर 24 घंटे के भीतर फूटते हैं और वहाँ से जो लार्वे निकलते हैं वो उस जख्म में घुस जाते हैं और वो फिर बड़े मैगोट का रूप ले लेते हैं। जब किसी वुंड में मैगोट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक डेड टिश्यू पर फीड करते हैं, यानी कि डेड टिश्यू को खाकर वो जिंदा रहते हैं। तो वो साथ में उस वुंड में, उस जख्म में एक स्पेशल केमिकल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो डेड टिश्यू है वो लिक्विड में बदल जाते हैं और वो उन्हें पचाने के लिए फिर आसान होते हैं। तो ऐसा करते करते वो बहुत डीप तक चले जाते हैं। जब वुंड्स में मैगोट हो जाते हैं तो हमें सबसे पहला इंजेक्शन लेना है आइवरमेक्टिन, और आइवरमेक्टिन की जो डोज है वो 50 किलो के लिए 1 ml सिर्फ और सिर्फ सब कट लगाना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको 1 हफ्ते बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रिपीट करना नहीं है और डबल उसको रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप आइवरमेक्टिन लगा देते हैं तो मैगोट्स पूरी तरह से मर जाएंगे। साथ ही में हमें जो क्लोरफेनिरामाइन मैलेट इंजेक्शन आता है एंटी हिस्टामिनिक, वो भी इंट्रामस्कुलर बड़े पशु में 10 ml लगाना है। और अगर वहाँ पर दर्द है, सूजन है, या पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो साथ में हमें नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होता है, जैसे कि वेलोनिक्स इंजेक्शन 15 ml, हम उसे IM लगा सकते हैं। अगर जख्म में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो हमें वहाँ पर डाइक्रिस्टिसिन इंजेक्शन, जो कि 2.5 ग्राम में और 5 ग्राम में आता है,
तो 2.5 ग्राम में जो इंजेक्शन आता है वो 250-300 किलो वेट के एनिमल के लिए सफिशियंट है। उसको 10 ml या 20 ml डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके उसको इंट्रामस्कुलर लगाना है। अगर पशु बड़ा है, 500 किलो के आसपास है, तो उसमें हम 5 ग्राम डायक्रिस्टिसिन लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। हमें एंटीबायोटिक और पेन किलर जो है वो 2 से 3 दिन तक कम से कम उसको देना है। और अगर वहाँ पर ऊंड में पस हो गया है, मैगोट मरने के बाद उसको रिमूव करना है, वहाँ पर अगर पस भर गया है तो हम उसको एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो आप स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अच्छी तरह से साफ करके वहाँ पर ये जो टिंचर आयोडीन आप देख रहे हैं उसका गौज बनाकर उस ऊंड के अंदर भर देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमें उसकी ड्रेसिंग हर रोज़ नहीं करनी है। आज ड्रेसिंग की है तो कल का दिन हमें गैप देना है, परसों के दिन वो पुराना गौज निकाल कर वहाँ पे नया गौज डालना है। क्योंकि अगर हम रोज़ ड्रेसिंग करेंगे तो टिश्यू रिपेयरिंग के लिए जो टाइम लगता है वो नहीं मिलेगा, वो जख्म जल्दी भरेगी नहीं। साथ ही में हम टिश्यू हीलिंग के लिए, जख्म को जल्दी भरने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन की साइड में TRP नाम की जो बोलस आती है, वो एक एक बोलस सुबह शाम उसको तीन से लेकर 4 दिन तक दे सकते हैं। और ये जो आप स्प्रे देख रहे हैं लॉरिक्सिन नाम का, ये जो स्प्रे आता है ये दोबारा वहाँ पर मैगोट नहीं होने देंगे। ये मैगोट के लिए बहुत अच्छा स्प्रे है और जो वुंड हीलिंग है वो भी इससे जल्दी से हो जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।